सभी का स्वागत है, मैं दिव्या शुक्ला। बढ़ते हैं फटाफट खबरों की ओर। झांसी के गुरसराय में पुलिस ने एक महिला को अवैध शराब की बिक्री करते हुए किया गिरफ्तार, साथ ही अवैध शराब जब्त कर की अग्रिम विधिक कार्रवाई। ललितपुर में जिला अधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने शहर कोतवाली के सामने स्थित रैन बसेरे का किया औचक निरीक्षण। इस दौरान उन्होंने नगर पालिका ईओ को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के दिए दिशा निर्देश। ललितपुर के कोतवाली सदर क्षेत्र अंतर्गत गार्डन के पास रखी हुई कार में लगी भीषण आग, जिसके चलते कार में रखा हुआ सामान जलकर हुआ खाक। सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। जालौन में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़, जिसमें आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वहीं बताया जा रहा है कि छात्रा ने एक युवक के उकसाने पर किया था अपना जीवन समाप्त, जिसकी शिकायत परिजनों ने पुलिस से की, जिसको लेकर पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर आरोपी को कर लिया है गिरफ्तार। जालौन में उरे कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत शादी समारोह में सूट बूट पहनकर चोरी करने वाले दो अंतर जनपद चोरों को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। हमीरपुर के राठ कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार दो बाइकों की आमने सामने हुई जोरदार भिड़ंत, 7 लोग हुए हैं गंभीर रूप से घायल। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस ने इलाज हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सभी घायलों को इलाज के लिए कराया है भर्ती। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप जी आर ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के पीछे स्थित एवं वेयर हाउस का किया निरीक्षण। इस दौरान जिला कोषालय अधिकारी और प्रभारी अधिकारी बी के श्रीवास्तव, नोडल अधिकारी विजय कुमार तिर्की रहे उपस्थित। बदायूं में प्रशासन, पुलिस व एआरडीओ ने अभियान चलाकर शहर में चल रही निजी एम्बुलेंस पर कसा शिकंजा। इस दौरान 10 वाहनों को किया गया है सीज। बदायूं में चोरों ने एक घर को बनाया निशाना, आधी रात में हजारों की नकदी सहित लाखों का जेवर ले उड़े चोर। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना का मुआयना कर जल्द से जल्द खुलासा करने का दिया आश्वासन। बिलासपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर हार जीत की बाजी लगाते हुए 4 जुआरियों को दबिश देकर किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 31,000 रुपए एवं ताश के पत्ते किए गए हैं बरामद।